नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ा जानकारी देने जा रहे हैं। रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, जो 10 अक्टूबर से बदलाव होगी। तो क्या कुछ बदलाव है ट्रेन टिकट बुकिंग करने से पहले, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रेन सफ़र करने का प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये जानकारी आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है, जो 10 अक्टूबर से बदलाव रेलवे टिकट बुकिंग में करने जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा फुल इन्फॉर्मेशन देंगे क्या बदलाव हो रहा है 10 अक्टूबर को टिकट बुकिंग को लेकर के। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे। और आपसे कौन को छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी क्वेश्चन को दबाइए, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। क्योंकि ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर के कोई भी IRCTC में अपडेट किया जाता है या कहीं से भी नया ट्रेन शुरुआत किया जाता है, तो उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाने को जरूर बता देंगे। चलिए आपको जानकारी देता हूँ कि क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है। तो पहले क्या होता था कि चार्ट बनने को लेकर के ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर के बदलाव किया गया है। तो चार्ट पहले क्या होता था कि चार्ट बनने से पहले तक भी हम लोग टिकट बुकिंग कर सकते थे, भले ही सीट खाली रहे या ना रहे। तब चार्ट आपका पहले चार्ट जो बनता है 4 घंटा पहले चार्ट बनता है, और अब दूसरा चार्ट भी ट्रेन में बनेगा, जो कि अब ट्रेन खुलने के टाइम से 4 घंटा पहले तक चार्ट बन जाता था और अभी भी बनेगा। और दूसरा चार्ट अब 5 मिनट से लेकर के 30 मिनट पहले तक चार्ट, दूसरा चार्ट ट्रेन का अब तैयार होगा, सेकंड चार्ट, जो कि ये 10 अक्टूबर से ये नियम लगाया जाएगा। और आप चार्ट बनने से पहले तक आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं अगर सीट खाली हो तो। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा उसके बारे में आपको पहले नंबर समझाता हूँ। अगर मान लीजिए कि पहला चार्ट बनने का, कई बार ऐसा होता है बहुत सारे ट्रेन में कि फर्स्ट चार्ट जब बनती है ट्रेन खुलने के 4 घंटा पहले चार्ट बनती है, तो उस कंडीशन में भी काफ़ी सीटें खाली रह जाते हैं और लोग चार्ट बन जाता है तो टिकट बुकिंग नहीं कर पाते हैं और सीटें खाली चल जाती है, ज़रूरतमंद लोगों को सीट नहीं मिल पाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अब अगर जो सीटें खाली रह जाते हैं तब आपको सेकेंड चार्ट बनने के टाइम में, आप अगर जितने सीटें फर्स्ट चार्ट बनने के बाद सीटें खाली रह जाती हैं, उसके बाद सेकेंड चार्ट का बनने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा टिकट बुकिंग करने का, उससे आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेन खुलने के आधे घंटे पहले तक भी आपको चार्ट सेकेंड चार्ट में फिर आपका नाम आ जाएगा। इसलिए रेलवे से ये रेलवे को भी फ़ायदा होगी और हम लोग जैसे यात्रियों को भी इससे फ़ायदा होगा कि हम लोग को अब टाइमिंग जो है वो बढ़ जाएगा टिकट का जो है। बहुत लोग कई बार ऐसा करते हैं कि टिकट कई जरूर अपने कई लोग किसी कारण से सफ़र नहीं करना चाहते हैं, टिकट कैंसिल कर देते हैं। तो उस कंडीशन में आप लोगों को चांसेस रहेगा लोगों को कि दोबारा से टिकट बुकिंग करने का, कोई भी ट्रेन में आप लोगों को चांस मिल जाएगा ट्रेन खुलने के टाइमिंग में भी। इमरजेंसी में अगर जाएँ तो बहुत सारे ट्रेन में आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में ट्रेन ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी खाली ट्रेनें जाती हैं, और चार्ट बनने के बाद तो कुछ कोई भी अगर ट्रेन में खाली सीट रह जाती है तब भी आप बुकिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे सेकेंड चार्ट बनाने का प्लानिंग कर रहा है, जो 10 अक्टूबर से नियम पूरे सभी ट्रेनों में लगा दिया जाएगा। अगर जैसे ट्रेन सेकेंड चार्ट में अगर फर्स्ट चार्ट में अगर जैसे सीटें खाली रह जाती है तो सेकेंड चार्ट में आप उसका टिकट बुकिंग कर सकते हैं, जो कि आपको 5 मिनट से ट्रेन खुलने के टाइम से 5 मिनट से लेकर के आधे घंटे यानी कि 30 मिनट तक ये चार्ट आपका प्रिपेयर होगा। तो उतने अंदर में आप टिकट को आप बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर से भी बुकिंग किया जा सकता है या IRCTC से ऑनलाइन भी आप टिकट को बुकिंग कर सकते हैं। तो आपको एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि ट्रेन खुलने के 4 घंटे पहले तक फर्स्ट चार्ट बनती है, और सेकंड चार्ट जो बनेगी अब वो ट्रेन खुलने के 5 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक 30 मिनट पहले तक चार्ट आपका बनेगी।